तो गाइस जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर हम नेहरू प्लेस दोबारा आ चुके हैं एंड जिस शॉप पर हम वीडियो बनाने वाले वो है ये स्मार्ट टेक इंटरप्राइजेस। एंड इस वीडियो में यहाँ पर हम कवर करने वाले ग्राफिक्स कार्ड एंड इस वीडियो में सारे ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग कवर करेंगे, LHR नॉन LHR और आपके क्या प्राइसिंग चल रही है, AMD और NVIDIA के जो चिपसेट पे जो भी ग्राफिक कार्ड आते हैं सारे ग्राफिक कार्ड कवर करेंगे। एंड इस वीडियो में साथ देंगे हमारे भैया जी। तो भैया जी क्या नाम है आपका? अमित भैया। तो अमित भैया, सो गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पर टाइमलाइन का यूज करिए क्योंकि यहाँ पर पहले कुछ बेसिक चीजें मैं पूछने वाला हूँ भैया से, एड्रेस रियल और एड्रेस क्या है, फोन नंबर एंड काफी चीजें, कुरियर शिपिंग एंड COD के बारे में काफी सारी चीजें पूछने वाला हूँ। एंड जिनको प्राइसिंग देखनी हो वो लोग टाइमलाइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए भैया मुझे कुछ चीजें बता दीजिए, आपकी शॉप पर अगर आना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? मेट्रो से आ सकते हो सर, सामने से। हाँ मेट्रो मतलब एक तो सामने पड़ेगी नेहरू प्लेस के जस्ट सामने और एक पीछे की साइड पड़ेगी, तो दोनों से आ सकते हैं, ठीक है? बाकी गाइस शॉप बिल्कुल नेहरू प्लेस के जस्ट सामने है, बट फिर भी मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा। बाकी भैया दो तीन चीजें बता दीजिए, जो दिल्ली NCR में रहता होगा वो तो आ जाएगा, बाकी कोई दूर रहता होगा तो वो कैसे ले सकता है आपसे सामान? भैया कोरियर हो जाएगा, शिपिंग हो जाएगा। तो कोरियर या शिपिंग का मदद लेनी पड़ेगी, बाकी COD आपके पास होगा? COD नहीं होगा, पहले प्रीपेड पेमेंट करनी पड़ेगी, देन वो सामान ले पाएगा, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई। देन भैया जो भी आप प्राइसिंग बताने वाले हो कितने दिन तक वैलिड होने वाले हैं? सर डे के तो रेट चल रहे हैं, डे बाई डे, मतलब दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं रेट, ठीक है? मतलब जो आज वीडियो में कवर करने वाले हो वो सिर्फ एक या दो दिन के रहने वाले हैं, उसके बाद वो कुछ कह नहीं सकते। बाकी लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एक चीज और मुझे बता दीजिए, जो भी आप इन सभी ग्राफिक कार्ड के मुझे रेट बताओगे वो इंक्लूडेड GST होगा बिना या फिर बिना GST के? टैक्स पेड रेट बताऊंगा भैया, मतलब जो रेट आप बताओ फाइनल प्राइस होगा, कोई एडिशनल चार्ज बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? और प्राइसिंग जैसा आपने बोला फिक्स नहीं होती, ऊपर नीचे बहुत होती रहती है। बाकी इस वीडियो में हम ग्राफिक कार्ड कवर करने वाले हैं, आपके पास और क्या क्या मिलता है? ग्राफिक कार्ड मतलब और गेमिंग बिल्ड में सारे रिलेटेड चीजें मिल आपके पास, मतलब एक गेमिंग PC बिल्ड में जो जो कंपोनेंट्स चाहिए वो सारी चीजें मिल जाएगी, चाहे वो अच्छा हेडफोन या फिर पावर सप्लाई किसी को लेनी हो, कैबिनेट मदरबोर्ड प्रोसेसर सारी चीजें आपके पास मिल जाएगी, ठीक है? तो अगर कोई पूरा PC बिल्ड करना चाहता है तो आपके पास करवा सकता है। बाकी ऑनलाइन कोई रेट चल रहा है कोई भी कंपोनेंट का तो आपके पास सस्ता देखने को मिलेगा या नहीं? सस्ता देखने को मिलेगा भैया, हालांकि कई कबार बार दिक्कत आ जाती है, लेकिन बट कॉल करके लिए पूछ लीजिएगा जो भी, मतलब 90% चीजें आपको ऑनलाइन से कम रेट में आप दे दोगे, ठीक है? कुछ एक आध कोई ऑफर चल रहा है तो कह नहीं सकते, ठीक है? सो गाइस चलिए यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग कवर करते हैं। यहाँ पर हम सभी ग्राफिक कार्ड कवर करने वाले, सभी ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग, चाहे वो LHR हो नॉन LHR हो, AMD चिपसेट पे हो या फिर NVIDIA। भैया एक चीज और मुझे बता दीजिए, नॉन LHR काफी मुश्किल मिल पाते हैं, आपके पास मिल जाएंगे सभी नॉन LHR? सर कोई कोई पीस मिल जाएगा, मतलब कुछ मॉडल में मिल जाएंगे, कुछ मॉडल में नहीं मिल पाएंगे, जो जैसा होगा वो आप बता दोगे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो बेसिक से बात करते हैं। बेसिक आपका आता है GT 710, तो ये एक ये है GT 710 और इसे और निकाल लेते हैं। तो भैया ये पहले बताइए, गीगाबाइट GT 710 DDR3 वेरिएंट होने वाला है, क्या प्राइस है इसकी? ये 3600 का पड़ेगा भैया, 3600 का होने वाला है। देन ये जो आता है GDDR5 में 2GB GT 710, इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? 4450 रुपए का होने वाला है, ठीक है? सब सस्ता GT 710 कितने का देखने को मिलेगा? 1GB आएगा। अच्छा वो जो 210 आता है डिस्प्ले के लिए, 210 वो कितने का होगा? वो होगा 2400 रुपए, 2400 रुपए का आपके पास होने वाला है, ठीक है? ये GT 710 हो गया। एक आता है 1030 को भी कवर करता है, एक ये आपका RVX कंपनी की तरफ से और MSI, इसको कौन नहीं जानता। MSI का बताइए भैया कितने, 2GB का है ना GT 730 2GB, इसका क्या प्राइसिंग होने वाला है? ये पड़ेगा भैया 4750, 4750 रुपए का होने वाला है 2GB में GT 730। ये 4GB का है GT 730 RVX, इसकी क्या प्राइस? 7000 रुपए। और सभी में कितनी वारंटी मिलेगी सभी ग्राफिक्स कार्ड में? 3 ईयर वारंटी, जोटेक को छोड़ के, जोटेक 5 साल है, बाकी सब में 3 साल है, ठीक है? ये हो गया। भैया बता दीजिए GT 1030 उसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? 1030 पड़ेगा भैया 8500, DDR5। हाँ 2GB DDR5 वाले वेरियंट 8500 रुपए का होने वाला है, ठीक है? ये हो गया। देन इसके बाद आपका आता है GTX 1050 Ti,
तो भैया इनो 3D की तरफ से GTX 1050 Ti है, इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? 22,500 रुपए का होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 6050 ये रहा कलरफुल की तरफ से। तो भैया 6050 कलरफुल इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? 28,500 भैया। अच्छा, तो मतलब इसकी प्राइसिंग बढ़ने लगी है, पहले 26,27 हो गई थी, अब इसकी 28,000 हो चुका है ये 6050 28,000 रुपए का। और अगर बात की जाए 6050 सुपर, उसकी क्या प्राइसिंग है? नहीं है भैया, अवेलेबल नहीं। अच्छा, अवेलेबल नहीं है उसका, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, ठीक है, 6050 सुपर आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। देन भैया दो तीन कार्ड और मुझे बता दीजिए, 1660 वो मिल जाएगा? 1660 मिल तो जाएगा भैया, 45,000 का, 1660 45,000 एंड 1660 सुपर 60,500। अच्छा, 1660 सुपर 60,000 का हो गया है यहाँ पर नेहरू प्लेस। कौन सा ब्रांड होगा वो? इनो 3D गैलेक्सी, मतलब जो मिल जाए, जो मिल जाए 60,000 का 1660 सुपर। और TI 1660 TI 58,000, 2,000 का डिफरेंस है, ठीक है। देन अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं 2060, इसे जरा हटा देते हैं, इसे निकालते हैं और एक इसे, क्योंकि सेम ही रहते हैं प्राइसिंग दोनों में, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। 2060 का प्राइस क्या है? 60,000 रुपए भैया, इसका भी 60,000 रुपए। एंड ये 8GB का कार्ड है, RX 6600 XT, इसकी क्या प्राइस है? ये पड़ेगा भैया 65,000 रुपए का, 65,000 रुपए का, ठीक है। बाकी जितने भी कार्ड है, हालांकि कुछ लोगों को नहीं पता हो फिर भी बता देता हूँ, सारे नॉन LHR है, 2060 नॉन LHR, इनमें LHR नहीं आता है अभी तक जितने कवर करे, ठीक है भैया। अब जो है हम जो कवर करने वाले 30 सीरीज, उसमें दो वेरिएंट आते हैं, LHR और नॉन LHR। नॉन LHR काफी टाइम पहले बंद हो चुके हैं बनने, बट फिर भी कुछ मिल जाते हैं, जो मिल जाएंगे वो आप बताते रहे ना साथ के साथ, ठीक है। पहले हम यहाँ पर कवर करेंगे 3060 से, तो 3060 आपका एक ये रहा। तो भैया ये 3060 इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? 81,000 रुपए भैया, 81, कितना मतलब 81,000। ये LHR है नॉन LHR है? ये नॉन LHR है भैया, ये नॉन LHR है, मतलब माइनिंग के लिए काफी अच्छा है। अगर बात की जाए 3060 LHR, वो 65,000 रुपए प्राइस और कर दिया, 65,000 रुपए होगा 3060, ठीक है। तो 3060 LHR नॉन LHR दोनों कवर हो गए यहाँ पर। सो ये हो गया गाइस, इसके बाद चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर 3060 TI में। तो 3060 TI ये रहा, जोटेक एम्प हॉलो एम्प वाला व्हाइट एडिशन डुअल फैन 3060 TI, इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? 77,500 रुपए इसकी प्राइसिंग होने वाली है, ठीक है। देन अगर बात की जाए 3070, तो 3070 आपके पास यहाँ पर तीन वेरिएंट है, एक तो ट्रिपल फैन में, एक यहाँ पर डुअल फैन में और एक जोटेक का, तीनों की प्राइसिंग पूछते हैं। पहले भैया ये MSI ट्रिपल फैन, इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? ये पड़ेगा भैया 90,000, 90,000 रुपए, 90,000 होने वाला आपका 3070। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर डुअल फैन में MSI की तरफ से, इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? 88,000, 2,000 का डिफरेंस है। देन अगर बात की जाए जोटेक 3070, इसका क्या प्राइस है भैया? सेम रेट है 88,000, 88,000, 88,000, मतलब सेम रेट है, ठीक है। हालांकि इसमें 3 साल वारंटी होगी, इसमें 5 साल बेनिफिट तो जोटेक की तरफ ही है माइनिंग के लिए अगर देखा जाए। 3070 हो गया भैया, दो तीन कार्ड और मुझे बताइए, 3070 TI बहुत डिमांड में, मुश्किल मिलता है, प्राइस बताइए इसकी। सर वही है एडवांस बुकिंग पर 1,08,000 रुपए, एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, 1,08,000 रुपए का मिलने वाला है ये कार्ड, 1,08,000 रुपए, लेकिन कंडीशन है एडवांस, मतलब कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। देन कितने दिन में आप उसे दे दोगे? पेमेंट होने के 1-2 दिन बाद, मतलब 1-2 दिन, ज्यादा टाइम मिलेगा, मतलब 1-2 दिन, मतलब 24 से 48 घंटे में आप उसके लिए अरेंज कर दोगे कहीं ना कहीं से। 1,08,000 रुपए, और प्राइस कोई मतलब फिक्स नहीं है, आगे चल के बढ़ भी सकते, कम तो नहीं होगी जहां तक जो मार्केट का सीन चल रहा है, ठीक है। भैया यहाँ पर 3070 TI दोनों हमने कवर कर लिए, अब मुझे बता दीजिए 3060 TI तो नहीं मिल पाएगा नॉन LHR में, 3070 मिल जाएगा नॉन LHR में? सर मिल जाएगा 1,35,000 रुपए, 1,35,000 रुपए का होने वाला है, OEM कार्ड होगा, 1,35,000 रुपए का 3070 नॉन LHR। और 3070 TI में उसमें मिल जाएगा? 3070 TI नहीं होगा, 3070 TI में नहीं होगा, ना ही 3060 TI में होगा, दोनों में नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं 3080, तो ये 3080 इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है, इसका प्राइस बता दीजिए? 1,30,000 रुपए, 1,30,000 रुपए होने वाला है। तो ये LHR है ना? LHR है। और नॉन LHR अगर लेने जाए 3080, उसकी क्या प्राइसिंग होगी? अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक है, मिल नहीं रहा है।
देन ये होगा 3080 TI का और बता दीजिए 1,55,000 रुपए वो LHR रहेगा, उसमें भी नॉन LHR मिल रहा नहीं मिल रहा? उसमें नहीं मिल रहा LHR 1,55,000 रुपए का। देन अगर बात की जाए IHL की तरफ से 3090 इसका क्या प्राइसिंग होगा? ये पड़ेगा भैया जी 2,35,000 रुपए 2,35,000 रुपए का LHR नॉन LHR है? ये नॉन LHR है, नॉन LHR है, मतलब ये माइनिंग के लिए काफी अच्छा है। कितना? 2,35,000 रुपए का होने वाला है, ठीक है। देन AMD में एक कार्ड और रह गया 6700XT 92,000 का भैया। कितना? 92,000 92 92, ठीक है। वो तो खैर उसमें तो कोई सीन नहीं होता LHR नॉन LHR का, तो 92 का होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर जो जो ग्राफिक कार्ड थे मैंने सारे कवर कर लिए, सभी का रेट बता दिया। और बाकी भैया एक और बता दो, प्राइसिंग फिक्स नहीं है ना, ये चेंज होते रहते हैं डे बाय डे। लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए कॉल करें, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ के साथ अगर कोई शॉप पे विजिट करना चाहता है, शॉप पे सब कुछ ले सकते हो, ग्राफिक कार्ड के सिवाय काफी सारी चीजें मिल जाती है, तो उसके लिए भी विजिट करने के लिए सारे एड्रेस डिस्क्रिप्शन में होंगे। बाकी भैया आपका फोन नंबर भी डाल दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू भैया वीडियो बनवाने के लिए।